Hello everyone, welcome to the YouTube channel of MAFEC Daily. This is Advocate Raghib Naushad and this is our fifth lecture of the series Indian Polity by M. Lakshmikant. So in this session, we will continue with the second chapter of Indian Polity, that is making of the Indian Constitution. In the last class, we covered the first part of this making of the Constitution where we read demand for a constituent assembly, composition, apart from that working of the constituent assembly and then other functions which had been performed by the constituent assembly. Now today we are going to cover this committee of the constituent assembly was also covered in that lecture, and drafting committee, yeah, this was covered. Now we are going to cover from this enactment of the constitution, enforcement of the constitution we will cover, expert committee of the Congress, criticism of the constituent assembly. Apart from that, this important there are a few important facts which you need to know. Apart from that, Hindi text of the constitution, and that is the end. All right, and there are a few tables given there, so you can read it on your own. All right, so let's start this video, and the session is bilingual already, we know. So aye, enactment of the constitution. Sabse pehle the B.R. Ambedkar, Dr. B.R. Ambedkar introduced the final draft of the constitution. Okay. ये जो फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ये इंट्रोड्यूस किया अंबेडकर साहब ने 4 नवंबर 1948 को, पहली रीडिंग हुई, ठीक है, और जो असेंबली ने इसका डिस्कशन किया, जनरल डिस्कशन किया गया इस पर 5 दिनों के लिए, मतलब 9 नवंबर तक किया गया था। देखो इतना डेट आपको इतना ज्यादा क्रैम करने की जरूरत नहीं है इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, बट या इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन देन यू नीड टू फोकस ऑन दिस डेट्स वगैरह, ठीक है। नाउ सेकेंड रीडिंग जो है वो क्लाउज टू क्लाउज किया जाने लगा। क्लाउज का मतलब क्या होता है, जैसे कि अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, तो वहां पे आपका आर्टिकल 1 कुछ और है, आर्टिकल 2 में चीजें, तो ये सब क्लाउज दिए गए होते हैं। इसमें भी पार्ट्स होते हैं कि 2 का क्लाउज 1, क्लाउज 2, क्लाउज 3, दीज आर क्लाउज। तो मतलब बोला जा रहा है कि उसको बहुत ही पार्ट पार्ट में जो है सेकेंड रीडिंग जो है वो स्टार्ट किया गया, 15 नवंबर को कर दिया गया, और ये 17 अक्टूबर 1949 तक चला, जिसमें 7,653 amendments were proposed, और जिसमें से 2473 2473 were actually discussed in the assembly. तो 7,500 के करीब amendment जो प्रपोज किए गए थे, 7653, जिसमें से 2473 जो है डिस्कस किया गया असेंबली में, ठीक है। सेकेंड रीडिंग हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो अब आपका थर्ड रीडिंग होता है। नाउ द थर्ड रीडिंग ऑफ द ड्राफ्ट स्टार्टेड ऑन नवंबर 14, 1949, ठीक है, शुरू हुआ 14 नवंबर को। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बी आर अम्बेडकर ने एक जो मोशन मूव किया, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। ये आपको ध्यान रखना है, ये चीज ऐसे मेंस वगैरह में आपको काम आएगा, ये सब सारी चीजें अगर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली और कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर करने हो सकता है अगर क्वेश्चन इस तरह का कुछ आ गया तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये उन्होंने बी आर अम्बेडकर ने जो मोशन मूव किया का नाम था द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली भी पास किया जाता है। द मोशन ऑन ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिक्लेयर्ड एज पास ऑन 26 नवंबर 1949। पास कब किया गया, 1949 में 26 नवंबर को, इसीलिए हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन दिस डे, ठीक है। और टोटल कितने मेंबर्स ने साइन किया था इस पर, 284 वर एक्चुअली प्रेजेंट और उन्होंने साइन किया, जबकि टोटल मेंबर थे 299। कुछ कुछ जो है रह गए, कुछ जो है कुछ का डेथ भी हो गया था, तो बाकी बचे थे 284, ठीक है। और यही डेट आपके प्रियम्बल में भी मेंशन है ना, जो हम लोग नहीं लास्ट में पढ़ते हैं प्रियम्बल में, एंड वी हियर बाय अडॉप्ट दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑन दिस डे 26 नवंबर वाला, तो वही यही तो डे है जिस दिन हम उसको अडॉप्ट करते हैं ना। तो यहाँ पे आपको देखिए ये आपको लिखा भी हुआ है, द कॉन्स्टिट्यूशन एज अडॉप्टेड ऑन नवंबर 26, 1949 कंटेन अ प्रियम्बल 95 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल। द प्रीएम्बल वाज इनएक्टेड आफ्टर द इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन वाज ऑलरेडी इनएक्टेड, ठीक है। अब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे, जो लॉ मिनिस्टर थे, ही पायलटेड द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द असेंबली और बहुत प्रोमिनेंट पार्ट लिया डेलिब्रेशन वगैरह में। वो अपने लॉजिकल फोर्सफुल प्रोग्रेसिव आर्ग्यूमेंट वगैरह के लिए जाने जाते थे, इसलिए इनको फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नॉट मच इंपॉर्टेंट, ठीक है, बस सबको पता है कि इज द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नहीं भी पता तो आप जान गए, है ना। ब्रिलियंट राइटर, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट एंड डिस्प्यूटेड लीडर ऑफ द शेड्यूल कास्ट, इज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इज आल्सो नोन एज मॉडर्न मनु,
मॉडर्न मनु भी उनको बोला जाता है। और देखो मॉडर्न मनु कौन, मनु कौन थे, जो मनुस्मृति जो पहले लॉ था, तो मनुस्मृति को ये मनु ने लिखा था। उनका नाम शायद ब्रिगु वगैरह था, तो वो उन्हीं को मनु बोलते थे, तो वही इसीलिए वो आर्किटेक्ट थे मनुस्मृति के। तो यहाँ पे इस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्ट अंबेडकर है, तो इसलिए कुछ लोग उनको मॉडर्न मनु भी बोलते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कुछ जो आपके प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसे सिटीजनशिप, इलेक्शन, प्रोविजनल पार्लियामेंट, टेम्पररी ट्रांजिशनल प्रोविजंस वगैरह, शॉर्ट टाइटल जो कि आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 63, 324, 363, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 जो है, ये आपको 26 नवंबर 1949 को इन्फोर्स में आ गया था। अब द पॉइंट इज क्या ये एकदम रट लेना है कि कौन कौन सा प्रोविजन आ गया था? जी नहीं, एकदम आपको रटने का बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। एक एक जनरल आइडिया रखिए कि हाँ ये सिटीजनशिप जो है ये पहले आ गया था, ठीक है, इलेक्शंस वगैरह से रिलेटेड आ गया था, प्रोविजनल पार्लियामेंट, भाई पार्लियामेंट को तो पहले लाना था ना, तो पार्लियामेंट वाला आ गया था, और बाकी कुछ शॉर्ट टाइटल वगैरह और ये सब थोड़े प्रोविजंस है, उतना आपको क्रैम करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सब सिटीजनशिप से रिलेटेड है, ये भी आपको, चलो आप लोग ये बताओ मुझे, ये आर्टिकल 324 जो है ये किस चीज से एसोसिएटेड है, आप कमेंट करके मेरे को बताओ, ठीक है। वैसे तो हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी, आइए बाकी जो रिमेनिंग प्रोविजन थे, जो मेजर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो 26 नवंबर 1950 को इन्फोर्समेंट में आया, इसीलिए हम इस डे को रिपब्लिक डे ऑब्जर्व करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट। अब सवाल ये उठता है कि ये जब हमारा संविधान जो है जब 26 नवंबर 1949 को ही बनके तैयार हो गया, तो फिर हमने 26 जनवरी 1950 का डेट क्यों चुना? व्हाई? बिकॉज इट वाज ऑन दिस डे इन 1930 दैट पूर्ण स्वराज डे वाज सेलिब्रेटेड। पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की घोषणा की गई थी, कहाँ पे? लाहौर सेशन जो हुआ था ना इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जवाहरलाल नेहरू जिसको प्रिसाइड कर रहे थे, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा रावी रिवर वगैरह के नजदीक में, है ना, नहीं पढ़ा तो आप जान गए, वैसे हिस्ट्री में पढ़िएगा, है ना। तो इसीलिए ये 26 जनवरी 1930 का डे कंप्लीट इंडिपेंडेंस चूज किया गया था, तो बोला गया कि क्यों ना हम इसी डेट को आगे भी बढ़ाते हैं और उसी 26 जनवरी को ही हम चूज कर लेते हैं 1950 में कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाला डे, हेंस इट इज डिक्लेयर्ड एज रिपब्लिक डे एंड वी सेलिब्रेट इट एवरी ईयर, ठीक। आइए उसके बाद जैसे ही कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आया, जब संविधान आ गया, तो जो इंडिपेंडेंस एक्ट था, एक्ट था 1947 का, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 चल रहा था, हम लोग पढ़ चुके हैं दोनों के बारे में, और ये सब सारे ये जो दोनों एक्ट थे इसको रिपील कर दिया गया। रिपील करने का मतलब है कि कैंसिल कर दिया गया, खत्म, नल एंड वॉइड करा, अब इसका कोई वैल्यू नहीं रह गया। हालांकि द एबॉलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल ज्यूरिसडिक्शन एक्ट 1949 का एक्ट जो था वो कंटिन्यू कर दिया गया था। अब बहुत लोगों के दिमाग में ये भी सवाल आ रहा है कि ये है क्या, इतना ज्यादा नहीं हम लोग को जानने की जरूरत है, लेकिन हाँ जनरली मैं बता देता हूँ कि जो अपील्स वगैरह पहले किए जाते थे कोर्ट में प्रिवी पर्स का, तो ये जो आपको है एबॉलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल ज्यूरिसडिक्शन एक्ट इसी के लिए लाया गया था, और इसको इसीलिए कंटिन्यू कर दिया गया था ना, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे उस वक्त ऐसे भी केसेस थे जो स्टिल पेंडिंग थे। अब कोई केस पेंडिंग है जिसका निपटारा ही नहीं हुआ है और उसके बाद आप उस एक्ट को खत्म कर दीजिएगा तो वो सही नहीं था, है ना, तो इसलिए कंटिन्यूड था। और ये मैं एक्ट आपको निकाल के भी यहाँ पे कहीं पे रखा हूँ, दिखा देता हूँ, ये देखो, है ना, एबॉलिशन ऑन प्रिवी काउंसिल ज्यूरिसडिक्शन एक्ट 1949, यहाँ पे आप देखो सेकंड पैराग्राफ में देखो क्या लिखा हुआ है, प्रोबेबली दिस वॉज डन एट द टाइम इन अपील फाइल्ड बिफोर द प्रिवी काउंसिल, जो प्रिवी काउंसिल आपका टॉप जहाँ पे आप अपील वगैरह फाइल करते हैं, है ना, तो प्रिवी काउंसिल बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माइट बी पेंडिंग बिफोर द प्रिवी काउंसिल एंड इट वॉज नॉट कंसिडर्ड प्रोपर टू रिपील द एक्ट अंटिल डिस्पोजल ऑफ द पेंडिंग अपील्स, जो पेंडिंग अपील्स वगैरह थे उसका डिस्पोजल हुआ ही नहीं, तो इस चक्कर में उससे पहले तो इसको नहीं हटाया जा सकता था, इसलिए इसको एबॉलिश नहीं किया गया था। तो याद रखिएगा इंडिपेंडेंस एक्ट को तो एबॉलिश कर दिया गया, ठीक है, लेकिन हमारा जो एबॉलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल ज्यूरिसडिक्शन एक्ट है इसको एबॉलिश नहीं किया गया, इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को भी एबॉलिश कर दिया गया जैसे ही संविधान हमारा इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एक्सपर्ट कमिटी ऑफ द कांग्रेस। अब एक्सपर्ट कमिटी ऑफ द कांग्रेस में देखते हैं क्या क्या सारी चीजें हैं। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि कांग्रेस ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 8 जुलाई 1946 को एक एक्सपर्ट कमिटी अपॉइंट किया, ठीक है,
जो कि अब क्या क्या मटेरियल्स चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए, वो सब तैयार करेगी ये कमेटी। तो ये कमेटी के मेंबर्स कौन कौन थे? चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू, आसफ अली थे, है ना। आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा जो कैसे जब क्विट इंडिया मूवमेंट के समय सब अरेस्ट हो गए थे, इंडिया के जो सीनियर लीडर्स वगैरह थे, तो आसफ अली जो है इनका भी नाम आता है कि जो यंग लीडर्स, इन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई। के एम मुंशी थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, के टी शाह वॉज देयर, डी आर गडगिल वॉज देयर, हुमायूं कबीर, के संतरम वॉज देयर इन द कमिटी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद चेयरमैन के प्रपोजल पे ये रिजोल्व किया गया कि जो कृष्ण किरपलानी होंगे वो आपको कन्वीनर होंगे कमिटी के, और उनको मेंबर भी बना दिया गया। ठीक, अब देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अब आपके लिए रह गया कि वो जो असेंबली बनी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उसमें जो एक्सपर्ट कमिटी था, उस एक्सपर्ट कमिटी में स्टेट पीसीएस के लिए हो सकता है कि ये सब फैक्चुअल चीजें इंसान जानता है, लेकिन यूपीएससी ये सब चीजों पर ध्यान नहीं दे रहा है। ठीक है, तो समझदार को इशारा काफी, आप लेकिन बस गो थ्रू हो लीजिए और हमारे साथ एक बार देख ले रहे हैं वो भी काफी है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये कमिटी की दो सिटिंग्स हुई, ठीक है ना। पहला नई दिल्ली में हुई जो कि 22 से 22 जुलाई 1946 तक, और सेकेंड सिटिंग बॉम्बे में 15 अगस्त से 17 अगस्त 1946 तक। ठीक है, अब ये जो कमिटी थी वो जो भी नोट्स वगैरह तो प्रिपेयर कर ही रही थी कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आगे चलेगा और उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, उसके अलावा जो प्रोसीजर जो अडॉप्ट करेगी असेंबली, वो सब सारी चीजें भी ये कमेटी डिस्कस करती थी। ठीक है, उसके अलावा जो है द क्वेश्चन ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ वेरियस कमिटी, ड्राफ्ट ऑफ रिजोल्यूशन ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू बी मूव ड्यूरिंग द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये सब सारी चीजें ये कमेटी ही डिस्कस कर रही थी, है ना, कि कौन कौन से कमिटीज का अपॉइंटमेंट किया जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्या होगा कॉन्स्टिट्यूशन के, ये जो फर्स्ट सेशन में हम लोग पेश करने वाले थे, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वगैरह, तो ये सब का प्रिपरेशन जो है यही कमेटी कर रही थी। ठीक है, अब ये जो ग्रैनविले ऑस्टिन है ये क्या कहते हैं, जो कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है, वो कहते हैं कि इट वॉज द कांग्रेस एक्सपर्ट कमिटी दैट सेट इंडिया ऑन द रोड टू हर प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कमिटी है। देखिए इसको क्या बोला जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये वही कांग्रेस एक्सपर्ट कमिटी ही है जिसने संविधान को अपने रास्ते पे लाया, क्योंकि नींव तो इसी ने तैयार किया ना इसीलिए, और कमिटी मेंबर जो थे वो वर्क कर रहे थे विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कैबिनेट मिशन स्कीम। जो कैबिनेट मिशन हम लोगों ने पढ़ा 1946 में जो आया कैबिनेट मिशन प्लान, उसी के थ्रू ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया, तो उसी के अंदर जो है ये काम कर रहा था, और जो भी जनरल सजेशन वगैरह दिया गया ऑटोनोमस एरियाज के बारे में, पावर ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या होगा, सेंटर का क्या होगा, और प्रिंसली स्टेट्स का क्या होगा, अमेंडिंग पावर क्या होगा, और उन्होंने रिजोल्यूशन वगैरह भी जो है ड्राफ्ट किया जो कि बिल्कुल ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जैसा था। तो ये सब सारी चीजें हमने देखी आपको कि ये कमिटी जो बनाई गई, ठीक है, एक्सपर्ट कमिटी ऑफ इंटरनेशनल कांग्रेस, जो कि नींव तैयार किया आगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। अब आइए कुछ क्रिटिसिज्म देख लेते हैं क्या क्या होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। अब क्रिटिक्स क्या क्या बोलते हैं, पहले तो कहते हैं भाई देखो ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है। क्यों रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है? क्योंकि ये डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किया गया था। हम लोगों ने पढ़ा ना कि कैसे चल रहा था, हम लोगों ने देखा था कि डायरेक्ट डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ था, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से, कि हमने किसी को चुना 1 मिलियन में 1 मेंबर, है ना, और वो बंदा आगे जाकर के चूज कर ले रहा है असेंबली के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बना ले रहा है। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थे। कुछ क्रिटिक ऐसा कहते हैं कि मतलब देखो सिंपल सा ये होना चाहिए था कि भाई सारे लोग जो 18 प्लस के हैं या जो भी एडल्ट फ्रेंचाइज उस समय का था उन सब लोगों को अधिकार दिया जाए, लेकिन बहुत कम लोग जो है हैंडफुल ऑफ पीपल जो है वो इलेक्शन का अधिकार उन्होंने किया था। बहुत लोग तो मतलब कुछ कुछ उन लोगों को पता, देश का ऐसा भी एक हिस्सा था, जब मैं अपने फोर फादर से मैं अपनी दादी से पूछता हूँ कई बार कि दादी आपको याद है आजादी के वक्त, शी इज 90 प्लस, तो मैं उनसे जब पूछता हूँ कि दादी आपको कुछ याद है कि जब देश आजाद हुआ था उसके बाद क्या सारी चीजें, नहीं है उनको कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, तो अब आप समझ लो कि एक देश का एक ऐसा तबका भी था जो इन सब सारी चीजों से बिल्कुल महफूज था, तो इट वॉज नॉट कॉल्ड एज अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बाई सम क्रिटिक्स। ठीक है, दूसरा नॉट अ सॉवरेन बॉडी, सॉवरेन बॉडी इसको नहीं मानते हैं, है ना, क्योंकि बोला जा रहा है कि भाई सॉवरेन कहाँ से, सारा तो आप लोगों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रपोजल पे ही इसको बनाया है तो सॉवरेन कैसे होगा। तीसरा कहा जा रहा है कि यार बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, हम लोगों ने देखा था कितना समय लगा था, 2 ईयर्स 11 मंथ 18 डेज, है ना,
इतना ज्यादा समय ले लिया, और आप ये देखो कि जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स है, सिर्फ 4 महीने में ही काम तमाम कर दिया है ना। नजरुद्दीन अहमद है, एक मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के, वो कहते हैं कि इट इज नॉट अ ड्राफ्टिंग कमिटी, इट इज अ ड्रिफ्टिंग कमिटी, ठीक है, जो ड्रिफ्ट कर रहा है, बस आगे बढ़ा रहा है चीजों को। तो ये क्रिटिक थे, ये सब चीजें पता है मेंस में फॉर्डर की तरह काम आएगा, बाकी इतना ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट ये नहीं है, रेलेवेंट नहीं रह गया आया, ठीक है। बाकी कांग्रेस से डोमिनेटेड था, क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि भाई सब तो कांग्रेस पार्टी ही करती थी, और जो ग्रैनविल अस्किन फिर से आए जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है, अब ग्रैनविल अस्किन क्या कहते हैं देखते हैं। वो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज अ वन पार्टी बॉडी इन एन एसेंशियली वन पार्टी कंट्री, असेंबली वॉज द कांग्रेस एंड द कांग्रेस वॉज इंडिया, ठीक है, कांग्रेस ही सब कुछ है भैया, और कांग्रेस ने ही डोमिनेट किया, इन्होंने ही संविधान वगैरह बनाया, ये कहते हैं कुछ क्रिटिक्स, मतलब सबको मौका ही नहीं दिया गया। और पांचवा पॉइंट है कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई लॉयर पॉलिटिशियन का बहुत ज्यादा डोमिनेशन था, मतलब जिसको देखो सब पॉलिटिशियंस हैं और लॉयर्स वगैरह हैं, वही असेंबली के हिस्सा थे, ठीक है, बाकी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को तो सफिशियंटली रिप्रेजेंट ही नहीं किया गया है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ये जो असेंबली थी डोमिनेटेड बाय हिंदूज थी, बाकी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को जो है मौका ही नहीं दिया गया। उसी में जो एक सर विस्कंट साइमन है, ये कहते हैं इट इज अ बॉडी ऑफ हिंदूज। सिमिलरली विंस्टन चर्चिल क्या कहते हैं, आओ देखो, विंस्टन चर्चिल कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंट ओनली वन मेजर कम्युनिटी ऑफ इन इंडिया, ठीक है। तो कुछ लोग इसको हिंदू डोमिनेंट असेंबली भी कह रहे थे, क्रिटिक्स ऐसा कहते हैं, ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब ना इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं, जरा हम उस पर गौर कर लेते हैं। एलिफेंट जो है इट वॉज एडॉप्टेड एज अ सिंबल, तो ये एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखिएगा कि हमारा जो सिंबल उस वक्त जो सील ऑफ असेंबली अडॉप्ट किया गया था, दैट वॉज एलिफेंट। अब वहां पे स्टेटमेंट दे देगा आपको एग्जाम में, स्टेटमेंट में क्या लिख देगा, आजकल तो हर एग्जाम में अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, चाहे वो लॉ एंट्रेंस का एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस का हो, चाहे यूपीएससी, तो भाई स्टेटमेंट के बेताज बादशाह है, तो आपसे यहाँ पे ऐसे करके लिख देगा कि टाइगर वॉज एडॉप्टेड एज अ सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब आदमी बोलेगा टाइगर, यार हाँ हो सकता है यार, टाइगर को क्या होगा ऐसे भी, टाइगर को हम लोग नेशनल एनिमल बोलते हैं, हाँ करेक्ट, और आंसर गलत हो जाएगा, एलिफेंट को अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बनाया गया था बी एन राव को, मतलब एक तरह से ही वॉज अ लीगल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एच वी आर अयंगर जो थे, ही वॉज अ सेक्रेटरी टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एस एन मुखर्जी जो थे, वो चीफ ड्राफ्ट्समैन थे कॉन्स्टिट्यूशन के इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो थे, वो कैलीग्राफर थे। कैलीग्राफर क्या होता है सर? अरे कैलीग्राफर का मतलब जिन्होंने लिखा, कैलीग्राफी की, उसको संविधान को अपने हाथों से लिखा है, अपने कर्सिव हैंड राइटिंग में, बहुत ही खूबसूरत, अगर किसी को मौका मिले तो जरूर देखना। अभी मुझे अब याद नहीं रहा, मुझे पहले से अगर याद रहता तो मैं आपको दिखाता, अभी मेरे पास भी है तो मैं उसका फोटो यहाँ पे आपको दिखा सकता था। खैर आप लोग गूगल करके देख लेना, कैलीग्राफी उन्होंने किया था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको लिखा गया था इटैलिक स्टाइल में, इटैलिक मतलब होता है ऐसे थोड़ा सा सोया सोया सा ऐसे, है ना, दिस इज इटैलिक। आइए, जो ओरिजिनल वर्जन था उसको डेकोरेट किया गया था, आर्टिस्ट आए थे शांति निकेतन से, नंदलाल बोस और बेवहर राम मनोहर सिन्हा, ठीक है। और प्रियम्बल के ऊपर भी जो है कैलीग्राफी किसने किया था, प्रेम बिहारी रायजादा ने किया था, और उसको बेवहर राम मनोहर सिन्हा ने ब्यूटिफाई किया था। आप देखेंगे कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसके चारों तरफ कुछ कुछ खूबसूरत चीजें बनी हुई हैं, ठीक है, कुछ तस्वीरें बनी हुई हैं, आप उसको देखेंगे, ठीक है, तो वो सब चित्रकारी जो है इन्होंने किया था, बेवर राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस ने किया था। आइए आगे बढ़ते हैं, 8 पॉइंट में कहता है कि ये तो इंग्लिश में लिखा गया था लेकिन हिंदी वर्जन में कैलीग्राफी किसने किया था, उनका नाम था वी के वैद्य, वसंत कृष्ण वैद्य, ठीक है, और इसको फिर से डेकोरेशन तो नंदलाल बोस ने किया था हिंदी वर्जन, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, फिर कहता है हिंदी टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो ओरिजिनली कोई ऐसा प्रोविजन नहीं डाला गया था कि हिंदी में, हिंदी लैंग्वेज में इसका आपको टेक्स्ट लिखा जाएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, लेकिन बाद में जब 58th अमेंडमेंट आई है, अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट ध्यान रख लीजिए, 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1987, क्योंकि हिंदी आजकल न्यूज़पेपर में आप लोग हिंदी 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 चल रहा है, हमारे होम मिनिस्टर भी हिंदी को काफी प्रमोट कर रहे हैं और ये गवर्नमेंट भी कर रही है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो 58 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है, इसके बाद ये प्रोविजन को डाला गया आर्टिकल 394A। अब आर्टिकल में क्या कहता है, कहता है द प्रेसिडेंट शैल कॉज टू बी पब्लिश अंडर हिज अथॉरिटी द ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी लैंग्वेज। कह रहा है प्रेसिडेंट जो है वो पब्लिश करेंगे अपने अथॉरिटी के अंदर हिंदी लैंग्वेज में कॉन्स्टिट्यूशन का ट्रांसलेशन, और जो भी मॉडिफिकेशन वगैरह उसके अंदर में होगा
जो भी टर्मिनोलॉजी वगैरह होगा, ठीक है, वो हिंदी में किया जाएगा, और जितने भी अमेंडमेंट्स किए जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, और जो भी इससे पहले इस 58 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एक्ट से पहले 57 और भी अमेंडमेंट हो चुके हैं, उन सबको भी हिंदी में लिखा जाएगा। ठीक है, आइए उसके बाद बात करते हैं कि जो भी ट्रांसलेशन है हिंदी में हर अमेंडमेंट का इंग्लिश में किया जाए, जो इंग्लिश में हो चुका है उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया जाएगा। ये तो मैं पॉइंट आपको अभी बता ही दिया। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है कि जो भी ट्रांसलेशन किया जाए कॉन्स्टिट्यूशन का और जो भी अमेंडमेंट वगैरह में किया गया है, चेंजेस किया गया है, जो हिंदी में कन्वर्ट किया जाए, ठीक है, और कोई भी अगर डिफिकल्टी आ जाती है इस मैटर में, ट्रांसलेशन के मसले में, ठीक है, तो प्रेसिडेंट साहब जो है आपको हिंदी टेक्स्ट को रिवाइज भी कर देंगे, मतलब उसको फिर से संशोधन करके सही करेंगे, ठीक है, अगर कोई एम्बिग्यूटी आती है उस ओरिजिनल टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। और अगला क्या बोलता है कि ट्रांसलेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन का होगा उसके सारे अमेंडमेंट्स का होगा, सारा सब ऑथोरिटिव टेक्स्ट हिंदी में कन्वर्ट किया जाए। ठीक, तो ये हमने देखा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वी हैव कंप्लीटेड। इसमें कुछ टेबल्स दिए गए हैं, एलोकेशन ऑफ सीट्स क्या क्या था वो तो सारी चीजें पढ़ चुके हैं, उसको टेबल वाइज कर दिया गया है, बाकी इतना ज्यादा कुछ ये इंपॉर्टेंट रह नहीं जाता है कि कम्युनिटी की कितनी स्ट्रेंथ वगैरह थी, ये सब नहीं पूछते हैं। प्रोविंस में आप देख लीजिए, यूपी प्रोविंस हमेशा से सबसे ज्यादा बड़ा प्रोविंस था, 55 थे, मद्रास 49 था, दिल्ली अजमेर कुर्ग वगैरह ये सब एक एक थे। तो ये सब सारी चीजें हमने मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आज कवर कर लिया, ये सब बाकी आप अपने से देख लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज थर्ड चैप्टर, वी विल कवर इन द नेक्स्ट सेशन, एंड दैट इज सेलियंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज इंपॉर्टेंट। देखो अभी जो हम पढ़े हैं दो चैप्टर, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और जो पहला हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, दैट इज इंपॉर्टेंट, लेकिन वहां पे ज्यादा ज्यादा स्टैटिक चीजें हम पढ़ रहे हैं, रट्टूमल वाला चीज। अब धीरे धीरे शिफ्ट होगा, पैराडिज्म शिफ्ट टू द कंसेप्चुअल क्लैरिटी, और कंसेप्चुअल चीजें जब हम पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, फिर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। स्टैटिक चीजें जो थोड़ा बहुत फैक्ट फैक्ट हो जाता है, वो रट्टूमल वाला चीज थोड़ा सा लगता है, तो डोंट वरी, आप उसको बस एक बार मेरे साथ पढ़ लिए, एक बार अपने से पढ़ के बस रहने दीजिए, कंसेप्चुअल चीजों पे अभी फिलहाल ध्यान दीजिए, वो तब पढ़ा जाता है, स्टैटिक चीजों को हम तब रिवाइज करते हैं लास्ट मोमेंट जब एग्जामिनेशन करीब होता है, ताकि वो चीजें हमको याद रहे, और कंसेप्चुअल चीजों को बार 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 हम पढ़ते रहते हैं, ऐसे तो सबको बार बार पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए इसी बात के साथ जो है लेते हैं आपसे विदाई, दीजिए मुझे इजाजत, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें जो भी नीडी लोग हैं उनके साथ, और दोस्तों के साथ नहीं कहूंगा मैं अगर कोई पढ़ने वाला नहीं है तो, और ठीक है कुछ सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे करके बता दीजिए। चलिए इसी के साथ अब एक आपसे लास्ट में एक सवाल मैं बस पूछ दूंगा, सवाल आपसे मैं ये पूछूंगा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे, कि सवाल बहुत आसान सा है कि हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे आप कमेंट करके मुझे बताइए। ठीक है, चलिए।